नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक हैं। मैं हूं मेहा भारद्वाज ऑल्टर और मेरे साथ हैं जेमी ऑल्टर। और आज हम एक नया सा सेगमेंट शुरू कर रहे हैं मेरे चैनल पर। सबसे पहले तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज 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 करिए करिए। और इस सेगमेंट को हम वी आर कॉलिंग इट कॉफी कॉन्वर्सेशंस। दिस इज रियली अबाउट हमारे कॉन्वर्सेशंस, जेमी और मेरे ओवर अ कप ऑफ कॉफी। हम किन किन चीज़ों की आजकल बातें कर रहे हैं। सो यू नो, ऑन एंड ऑफ जब भी हमें लगे कि हमें ऐसी कुछ हमारे बीच में ऐसी बातें होती हैं कि जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वी लव टू शेयर इट विद यू। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वी स्टार्ट दिस सेगमेंट। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इन टू इट, कॉफी कॉन्वर्सेशंस विद जेमी एंड मेहा। क्या हमारे कॉन्वर्सेशंस अभी रहे हैं जेमी? देखिए, मैं आपको बोल देता हूँ कि मैं तो दिन के 3-4 कप कॉफ़ी तो पीता हूँ, पर जो पहली वाली होती है इनके योगा के बाद होता है ये। वैसे कॉफ़ी आजकल उन्होंने छोड़ दिया कुछ समय से, बट आज के शो के लिए मैंने कहा पी लो। बट इट्स नॉट अबाउट द कॉफ़ी, इट्स अबाउट द डिस्कशन यू हैव व्हेन यू आर हैविंग टी और हल्दी का पानी, जो भी है आपका। क्या है चल रहा है आजकल? गिलोई जूस चल रहा है। तो मॉर्निंग में होता है, बिकॉज इफ़ यू आर पेरेंट यू अंडरस्टैंड आजकल ऑनलाइन लर्निंग कितना मुश्किल साबित हो रहा है दुनिया में, बहुत सारे टीचर्स के लिए ऑफ कोर्स एंड पीपल हु प्लान करिकुलम्स, बट एज वेल एज पेरेंट्स एंड इवन द चिल्ड्रन। हमारा जो बेटा है हाल ही में ही वी टर्निंग 6 दिस मंथ, तो उनके लिए यू नो 5 days a week फॉर 3-3.5 आवर्स एक स्क्रीन के सामने बैठना, दैट इन इटसेल्फ आप समझ सकते हो उसमें कितनी दिक्कतें हैं। और देन यू नो टू मॉनिटर हिज वर्क, मॉनिटर द क्लास वर्क क्या हो रहा है। तो अक्सर हम बात करते हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। दिस इज वन थिंग विच आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स एंड इवन पेरेंट्स ऑफ यू नो इवन एन अंकल एंड आंट या जो भी हो हाउस कीपिंग पीपल अंडरस्टैंड कि हम क्या कह रहे हैं। इट्स बिकम अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ये नहीं कि कितना टफ है, कितना नेगेटिव है, बट हाउ इज आवर सन लर्निंग, आर वी बींग आर वी मॉनिटरिंग हिम इनफ, are we giving the support to the teacher at the, on the other side of the screen. So things like this is definitely exactly. one topic jo topic jisse jab se online learning shuru hua hai hum bahut baat karte hain uske bare mein. I think jiska bhi agar koi jinke children hain, bacche hain, wo is waqt isse इसको एक तो एक तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इससे अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबके लिए ये नया है, फॉर द टीचर्स एज वेल। सो वी डिसाइडेड टू बी काइंडर टू द टीचर्स, आई नो दे आर स्ट्रगलिंग एज वेल। एट द सेम टाइम आई थिंक यू नीड टू बी, हमारी ये कोशिश रहती है दैट यू नीड टू बी काइंडर टू योर चिल्ड्रन एज वेल। उनके लिए भी ये नई चीज़ है, देखिए वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल नहीं पा रहे हैं, उनके साथ जो भी उनका सोशलाइजिंग होता है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक चीज़ हमें बहुत बुरी लगती है केडन को लेकर। ही इज़ अ वेरी सोशल चाइल्ड, ही लाइक्स टू बी अराउंड अदर चिल्ड्रन, वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर पढ़ाई की बात करें तो अगेन इट इज़ डिफ़िकल्ट। एक छोटे बच्चे का, वो 5 साल के इस महीने, जैसे जेमी बोल रहे हैं 6 साल के होंगे, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका फोकस, अटेंशन स्पैन उतना ही रहता है जितना एक छोटे बच्चे का रहता है। तो यू नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, वो बैठे रहते, कई कई बार तो हम दोनों को बुरा लगता है उनको देखते हुए कि कितनी देर से बैठे हुए हैं, टीचर बोले जा रही हैं और वो पढ़ते जा रहे हैं, सारे बच्चे, ऑल ऑफ देम आर इन द सेम बोट। तो वो एक ऑनलाइन एजुकेशन विच इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट राइट नाउ फॉर ऑल आर चिल्ड्रन, उस पर हम काफ़ी डिस्कशन करते हैं आजकल। दूसरी बात, आजकल हमारे कॉन्वर्सेशंस में इज़ ऑल्सो अबाउट आर प्रोफेशनल लाइफ। बोथ ऑफ अस रियली नीड टू नाउ फिगर आउट अ वे फॉरवर्ड फॉर आर फ्यूचर, सो वी कीप डिस्कसिंग दैट। हमारा एक बहुत सिंपल सा वो रहता है गोल दोनों का, कि हम दोनों एक दूसरे, वी बाउंस ऑफ आइडियाज़, राइट? हम एक दूसरे से बातें करके हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वी आर वेरी ओपन टू हियरिंग ईच अदर्स, कुछ भी बातें हों, वो फिर उनके आपके फियर्स हों, आपके गोल्स हों, आपका एम्बिशन हो। हाँ बोलो। नहीं, मैं कह रहा हूँ इसका बैकग्राउंड ये है कि मैंने लास्ट ईयर के एंड में और मेहा ने बिल्कुल लॉकडाउन के कुछ हफ्ते पहले हम दोनों ने अपना फुल टाइम जॉब छोड़ा, हमें कुछ और डिफरेंट ट्राई करना था। उस टाइम अगर हमें मालूम होता कि ये कोविड आता तो शायद हम ये सब नहीं करते, बिकॉज वी हैड थिंग्स लाइंड अप इन टर्म्स ऑफ IPL एज एंकरिंग। IPL हुआ नहीं अप्रैल में स्केड्यूल में, अब जी हो रहा है सितंबर में, बट दोज डील्स हैव नॉट रियली यू नो। तो अभी जो इन द हराइजन में जो चीज़, जो हमारी प्लान्स थी, वो अभी तक लॉक नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं से आपके मन में आते हैं यू नो डाउट्स, इनसिक्योरिटी के, यार पैसे कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से होगा। फिर जैसे मैं खुद की बात करूँ तो कुछ एक्टिंग प्रोजेक्ट्स थे जिनकी शूटिंग मई में शुरू होने वाली थी, पर वो नहीं हुआ, अब वो पोस्टपोन हुए। किसी को नहीं पता कि इस इन द COVID-19 कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली व्हेन दे विल रिज्यूम। तो इस बीच जब आपके वो एक कुछ प्लान्स थे जिस पे आप बैंक कर रहे हो फाइनेंशियली इमोशनली,
वो नहीं होता था, देन यू वंडर व्हाट आर वी डूइंग. सो यूट्यूब फ्रॉम दैट एस्पेक्ट हैज बीन अ ग्रेट फन एक्सपीरियंस. क्योंकि हम बहुत, मैं अपने खुद के चैनल में इसके बारे में बात कर चुका हूँ, सॉरी इफ आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट यू नो जस्ट टू स्टे पॉजिटिव, टू स्टे क्रिएटिव, और फिर यू नो टू प्लान वीडियोज जहाँ पे आपके सजेशन पे है, यहाँ भी आपके चैनल में भी, यू नो टू टेक योर सजेशन, मेक वीडियोज एंड देन हियर योर फीडबैक. तो अ लॉट ऑफ आवर टॉक डज सेंटर अराउंड मेकिंग वीडियोज एज वेल. हाँ, एक ये बात भी है कि जब से लॉकडाउन ये शुरू हुआ है, कोविड का पूरा ये जो सीन सामने आया है, जो कोविड सिचुएशन है, वी बोथ रियली डिस्कस व्हाट क्रिएटिवली वी शुड बी डूइंग. एंड इट हैज़ क्या बोलेंगे, वेरी ऑनेस्टली देर हैव बिन टाइम्स व्हेन वी हैव आर्ग्यूड ओवर समथिंग, देर हैव बिन टाइम्स विच इज वेयर वी अग्रीड टू थिंग्स, बट इट इज़ डेफिनेटली ब्रॉट अस क्लोजर. एंड आई रियली फील कि अगर आप दोनों बात करोगे एक दूसरे के साथ, तो देन इट जस्ट makes much more sense to, मतलब एक आपको पता चल जाता है कि he will always want your good and I will also want whatever he is doing, I want him to succeed in that. तो उसमें हम एक दूसरे की help करते हैं, तो it feels good. So yeah, we've been talking a lot about our goals, what we want to achieve in our lives, you know, the idea of happiness and success. उसके बारे में हम काफ़ी बात करते हैं एक दूसरे के साथ इस समय पे, right now. So yeah, those are some of the things. और क्या बात करते हैं जेमी? और भी हैं, पर I want to keep that for a separate ठीक topic, क्योंकि I think काफी लंबा हो गया. नहीं, लंबा नहीं, दो तीन topics हैं, like watching shows and movies रात को. उसमें आई थिंक वी कैन डू अ होल वीडियो, क्योंकि लोग पूछते हैं कि आप आजकल क्या देख रहे हो, तो सेपरेट वीडियो हो सकता है उस पे हम फिर एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे. तो अभी के लिए इतना ही. आई होप यू लाइक दिस होल कॉन्सेप्ट एंड आवर कॉन्वर्सेशन. अगर आपको कुछ भी हमसे पूछना है या हमसे बातें करनी है, तो प्लीज़ जस्ट राइट डाउन व्हाटएवर इट इज़ इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. वी बोथ रीड द कॉमेंट्स, वी लव इंटरेक्टिंग विद यू, दैट इज़ द वन वे वी फील कनेक्टेड टू यू. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स. मेरा चैनल अलग है, मीहा भारद्वाज, मैं एक अलग एंटिटी हूँ. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू जेमीज़ चैनल एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वील बी बैक सून. गुड बाय. जय हिंद. स्टे सेफ.